प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, एक दैत्याकार बुलडोजर है जो चारों तरफ घूम रहा है और जिनके सरों पर छत है भी उन छतों को भी छीन लेना चाहता है। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है? काहे का सबका साथ सबका विकास? ये बुलडोजर सिर्फ लोगों का घर नहीं कुचल रहा है, संविधान को कुचल रहा है, लोकतंत्र को कुचल रहा है, फिर अदालतों का क्या काम रह जाता है? कैसा सबका साथ सबका विकास? जंतर मंतर पर खड़े होकर एक कार्यक्रम आयोजित होता है और एक व्यक्ति वहां खड़ा होकर के सीधे आह्वान करता है कि ईसाइयों और मुसलमानों को काटना कब शुरू करोगे, कि दिल्ली पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, उल्टा जो मीडिया उसको दिखाने का प्रयास करती है उनको नोटिस भेजा जाता है। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है उपसभापति महोदय? लेकिन अफसोस है कि जब राजनीतिक तौर पर विकास करने की बात आती है तो लोकसभा में एक भी टिकट के सत्ताधारी दल किसी मुसलमान को नहीं देता, राज्यसभा में एक भी टिकट किसी मुसलमान को नहीं देता, विधानसभा में जो बड़े बड़े प्रदेश है उसमें एक भी टिकट मुसलमान को नहीं देता, और वो तीन नाम के लोग थे मुख्तार अब्बास नकवी साहब, एमजे अकबर साहब, सैयद जफर इस्लाम, उनको भी किनारे लगा दिया जाता है। जब तीन तलाक पर बिल आ रहा था उपसभापति महोदय, तो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं अपने मुस्लिम बहनों को हक दिलाना चाहता हूं, उनके न्याय के लिए लड़ रहा हूं, तो उस भाषण के महज ढाई तीन घंटे बाद उनके गृह राज्य गुजरात में बिल्किस बानो के आरोपी भाग किए जा रहे थे, उसी दिन उन्हें माला पहनाया जा रहा था, उनका सम्मान किया जा रहा था। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है? सत्ताधारी पार्टी के सांसद है वो अपने